शुभ सकाळ प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आलोचना कार्यक्रम मुझे गोटी प्रश्न उत्तर को आलोचना रखे। आज समस्त प्रश्न उत्तर प्रायतः विभिन्न गुरुत्वपूर्ण मसीहा गुड़ी नहीं प्रस्तुत विभिन्न पुस्तक संग्रह करी। चलतु देखा आधुनिक भारत शहे गोटी प्रश्न उत्तर कौन रही। इन ह्विच इयर डायड ऑलिवर दि खान, पाने यहाँ बेटल पलाशीर प्रश्न। प्रश्नटी कौच जे के मसीहारे ऑलिवर दि खान मृत्यु होता। 1756, 1757, 1769, 1760। एक नंबर रो उत्तर हम पाने ए 1756 मसीहा। 1756 मसीहारे बंगर नवाब ऑलिवर दि खान मृत्यु होला, जहाँपर तांकर उत्तराधिकारी भाव में सिराजउद्दौला बंगर नवाब रूप से सिंहासन आरोहण कले। आम देखा पाने दुई नंबर प्रश्न, द ट्रिटी अफ आलीनगर हेल्ड बिटवीन हुम। ट्रिटी अफ आलीनगर क्या क्या मध्य होता, रॉबर्ट क्लाइव एंड मुजफ्फर जंग, डुप्लेक्स एंड सिराजउद्दौला, सिराजउद्दौला एंड द इंग्लिश, मिर्जाफर एंड सिराजउद्दौला। क्या क्या मध्य आलीनगर चुक्ति होता अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण अनेक परीक्षा आसी पाने। दुईर उत्तर टी हम सी सिराजउद्दौला एंड इंग्लिश। सिराजउद्दौला जिते बड़े इंग्लीश मानक पराजय बरण करते से समय सिराजउद्दौला इंग्राजी मानक गोटे चुक्ति होता कहगला आलीनगर चुक्ति। दुईर उत्तर टी हूँ सी। तापर वर्तमान देखा आम तीन, इन ह्विच अफ द इयर सिराजउद्दौला बिकेम निजाम ऑफ बंगाल। क्यों मसीहारे सिराजउद्दौला बंगर निजाम हेले, निजाम ऑफ बंगाल। 1756, 1757, 1769, 1760। तीन रो उत्तर खंडिक पाने हम ए 1756। 1756 मसीह सिराजउद्दौला निजाम भाव में निजुक्ति हेले बेंगर, से 1756 मसीह ऑलिवर दि खान मृत्यु होता। तापर पाने देखिए चार नंबर प्रश्न, इन ह्विच इयर हेल्ड ट्रिटी अफ अलीनगर। ट्रिटी अफ अलीनगर तम आलोचना कले सिराजउद्दौला इंग्रेजी मानक होता सेटा केबे रूप पाई, 8 फेब्रुआरी 1757, 9 फेब्रुआरी 1757, 10 फेब्रुआरी 1757, 11 फेब्रुआरी 1757। उत्तर जना पड़े फेब्रुआरी मस आ मसीहा सेम अच्छी। ये तारीख टी को अधिक गुरुत्व दि जाइए के तारीख में अलीनगर ट्रिटी। चार उत्तर हम पाने बी 9 फेब्रुआरी 1757। फेब्रुआरी मस 9 तारीख 1757 मसीह अलीनगर ट्रिटी होता सिराजउद्दौला आउ इंग्रजी मानक मध्य। देखिए आम पे पांच नंबर प्रश्न कौन कहे आम, इन ह्विच अफ द डे फाउट द बेटल अफ प्लासी। सहज प्रश्नटे कि गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटे अनेक परीक्षा आसी पाने। बेटल अफ प्लासी केबे हेतिला, 21 जून 1757, 22 जून 1757, 23 जून 1757, 24 जून 1757। यही सेपरि चार नंबर पर प्रश्न होती, जून मास आ 1757 स्थिर अच्छी, खाली तारीख टी को गुरुत्वपूर्ण प्रश्न में पचार जाए कौ तारीख रहा। पांच पाने उत्तर खंडिक हम सी 23 जून 1757 मसीह बेटल अफ प्लासी होता पा। गुरुत्वपूर्ण घटनाटीए भारत सबुदिन पराधान हो जाता एपर ठार। तापर आम देखिए पाने छ नंबर प्रश्न कौन कौच, इन ह्विच इयर फास्ट टाइम मिर्जाफर बिकेम नवाब अफ बेंगल। मिर्जाफर के मसीह प्रथम थर पर बंगर नवाब हेले, 1756, 1757, 1769,
1756, 1757, 1759, 1760। 6 नंबर उत्तर हमारे 1757 मिर्जाफर बंगर नवाब हेले। तापर आम देखिया पाने 7 नंबर प्रश्न, इन ह्विच अफ द इयर सिराजुद्दौला एग्जीक्यूशन, सिराजुद्दौला को मृत्युदंड दि जाइए मान मार दि जाइए क्यों मसीहार मार दि जाइए से तो युद्ध पराजयकरण कले पलाशे क्यों मसीह मार दि जाइए 1756, 1757, 1769, 1760। 7 नंबर उत्तर हम पाने 1757। 1757 मसीह सिराजुद्दौला को मार दि जाइए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पापर आम देख 8 नंबर प्रश्न, इन ह्विच इयर बैटल ऑफ बेदार फाउट, बैटल ऑफ बेदार टी के 1756, 1757, 1769, 1760। 1756, 1757, 1759, 1760। 8 नंबर उत्तर पे हम सी 1759। 1769 मसीह बैटल ऑफ बेदार होता। तापर देखिए पे नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न कौन कौन, इन ह्विच इयर मीर कासिम बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, क्यों मसीह मीर कासिम बंगर नवाब हेले, 1756, 1757, 1769, 1760। 9 नंबर उत्तर टी हूँ पाने डी 1760 रे मीर कासिम को बंगर नवाब कर गला। ये मीर कासिम हूँ मिर्जाफर ज्वाई। तापर आम देखिए पाला नेक्स्ट प्रश्न 10, इन ह्विच इयर शाह आलम सेकेंड बिकेम एम्परर, क्यों मसीह शाह आलम द्वितीय सम्राट हेले, 1761, 1762, 1763, 1764। 10 नंबर उत्तर टी पे हम ए 1761। इन 1761 इयर शाह आलम सेकेंड बिकेम एम्परर, शाह आलम द्वितीय 1761 मसीह सम्राट हेबार सुजोग पाइले। तापर देखिए 11 नंबर प्रश्न, इन ह्विच इयर मीर कासिम एक्सपायर्ड, मीर कासिम को केबे एक्सपायर्ड करागला, 1761, 1762, 1763, 1764। 11 उत्तर पाने हम सी 1763 मसीह मीर कासिम को एक्सपायर्ड करागला। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कौन कौन पाने, इन ह्विच इयर मिर्जाफर रीइंस्टेट आज नवाब ऑफ बंगाल, क्यों मसीह मिर्जाफर को द्वितीय थर भी बंगर नवाब रे बसई दिया गला, 1761, 1762, 1763, 1764। 12 रो उत्तर टी हे सी 1763। 1763 मसीह मिर्जाफर को पुणी बंगर नवाब कर देते ब्रिटिश माने। तापर देखिए पाने 13 नंबर प्रश्न कौन कौन, इन ह्विच इयर हेल्ड द बैटल ऑफ बक्सर, क्यों मसीह बैटल ऑफ बक्सर होता, बक्सर नामक स्थान बैटलटा हो बैटल ऑफ बक्सर नामकरण कर 1761, 1762, 1763, 1764। 1761, 1762, 1763, 1764। तो पाने 13 नंबर उत्तर हम डी 1764। 1764 मसीह बैटल ऑफ बक्सर टी होता मीर कासिम एवं एलायंस सहित ब्रिटिश रो। तापर आम देखिए पाने 14, हु वाज नॉट ए डिफिटेड मेंबर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ए भितर किए बैटल ऑफ बक्सर जड़े
ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟ ନୁହଁ। ମାନେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ କିଏ ଟିମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଏ ଭିତରୁ ବାଛିବେ, ଏ ଭିତରେ କିଏ ସେଇ ଜଣେ ଯିଏକି ପରାଜିତ ହୋଇନାହିଁ। ଶାହ ଆଲମ, ସୋଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ଅଫ୍ ଅବଧ, ମୀର କାସିମ, ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଡି, ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ। ଶାହ ଆଲମ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ଅବଧ, ମୀର କାସିମ ଏମାନେ ସବୁ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିର୍ଜାଫର ଜଙ୍ଗ ସେ ସମୟରେ କିଛି କୌଣସି ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୁଲ ଜିନିଷଟି ହେବ ଡି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଶାହ ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାନୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ? 1765, 1766, 1767, 1768। 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ଏ, 1765 ମସିହା। 1765 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 16, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ହେଲ୍ଡ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହୋଇଥିଲା? 1765, 1766, 1767, 1768। 1765, 1766, 1767, 1768। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 16 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ, 1765। 1765 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରିଟି ଶାହ ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲିନଗର, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମଙ୍ଗେର, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଚନ୍ଦନନଗର। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପରେ? 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ସି, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ପରେ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 18, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ନବାବସିପ୍ ଅଫ୍ ମିର୍ଜାଫର ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମିର୍ଜାଫର ନିଜର ନବାବ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗରେ? 1765, 1766, 1767, 1768। 18 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଏ, 1765। 1765ରେ ମିର୍ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ, ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କାଲକାଟା ମାଡ୍ରାସା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କେଉଁ ମସିହାରେ କାଲକାତା ମାଡ୍ରାସା, ମାଡ୍ରାସାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ମାଡ୍ରାସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଲକାଟାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି? 1781, 1782, 1783, 1784। 19 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଇ, 1781 ମସିହାରେ କାଲକାଟା ଠାରେ ମାଡ୍ରାସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସା ଅଫ୍ କାଲକାଟା, କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। 20ର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ସି, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କର ସମୟରେ
मद्रासा कलिकता ठारे प्रतिष्ठा होता आम देखा नेक्स्ट हूँ एक नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर फाउंडेड एसिएटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल केबे एसिएटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल प्रतिष्ठा होता 1781 1782 1783 1784 एकुशी रो उत्तर टी पिला माने हबो डी 1784 मसियार एसिएटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल नामक अनुष्ठान टी बंगरे प्रतिष्ठा होइथिला। तापर आमे देखिया पिला माने 22 नंबर प्रश्न इन व्हिच इयर फाउंडेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी केउं मसियार वाराणसी ठारे संस्कृत कॉलेज टी प्रतिष्ठा करागला 1791 1792 1793 1794 22 नंबर पिला माने उत्तरखंडिक हबो बी 1792 1792 मसीहा रे संस्कृत कॉलेज वाराणसी रे प्रतिष्ठा होइथिला। तापर आम देखिया पिला माने 23 नंबर प्रश्न हु फाउंडेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी वाराणसी ठारे किए संस्कृत कॉलेज प्रतिष्ठा करथिले डुप्लेक्स जोनाथन डकन वारेन हेस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस पिलाने मन रखंतु वाराणसी से समय रे राजदरबार रहुथुले ब्रिटिश ऑफिसर जोनाथन डकन से प्रतिष्ठा करथिले संस्कृत कॉलेज वाराणसी। तापर आम देखिया पिलाने 24 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बेंगल केउं मसिया रे चिरस्थायी बंदोबस्त बंगरे प्रथमे प्रचलित करा जायथिला 1799 1790 1791 1793 24 रो उत्तर खंडिक हबो पिला माने डी 1793 इन 1793 इन बेंगल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। तापर आम देखिए 25 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर एस्टाब्लीश्ड द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम केउं मसिया रे फोर्ट विलियम कॉलेज टिकु प्रतिष्ठा करा जायथिला 1775 1785 1795 1800 25 रो पिला माने उत्तरखंडिक हब डी 1800 मसीहा रे फोर्ट विलियम कॉलेज प्रतिष्ठा करा जायथिला जार कि उद्देश्य थिला भारतीय प्रशासनिक सेवारे उत्तीर्ण होला परे से माने सेडे ट्रेनिंग ने। तापर आम देखिया पिला माने 13 नंबर प्रश्न सॉरी 25 परे 26 हब पिला माने 26 नंबर प्रश्न कौन कहुछ इन ह्विच इयर एम्परर शाह आलम प्लेसेस हिमसेल्फ अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन 1802 1803 1804 1805 केउं मसीहा रे सम्राट शाह आलम निजकु ब्रिटिश सुरक्षा अधीन रे बा ब्रिटिश रो सुबर्जिनिटी को से ग्रहण करथिले केउं मसीहा 13 नंबर रो पिला माने सॉरी 26 नंबर रो पिला माने उत्तरखंडिक अवसी 1804 मसीहा शाह आलम ब्रिटिश मानंकर सार्वभौमत्व को ग्रहण करदे। तापर वर्तमान आम देखिया पिला माने 27 नंबर प्रश्न सरला पिला माने 27 नंबर प्रश्न को देखिबा इन ह्विच इयर इनोकेशन द डॉक्टर ऑफ लॉज को मसीहा रे डॉक्टर ऑफ लॉज को इनोकेशन करा जायथिला लागू करा जायथिला 1848 1849 1850 1851 27 रो उत्तर हब ए 1848 इन 1848 इनोकेशन द डॉक्टर ऑफ लॉज। तापर वर्तमान देखिए पिला माने 28 नंबर प्रश्न सतारा एनेक्सेशन इन ह्विच इयर बाय डॉक्टर ऑफ लॉज सतारा अंचल को राज्य को
କେଉଁ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସରେ ଅଧିକୃତ କରାଗଲା? 1846, 1847, 1848, 1849। 28 ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡିକ ବସି 1848। 1848 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ବଳରେ ସତାରାକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଓପେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? 1852, 1853, 1854, 1855। 29 ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବି 1853 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁମ୍ବାଇ ଟୁ ଥାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ବା ଉଡ୍ସଙ୍କର ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ? 1852, 1853, 1854, 1855। 30 ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସି 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଉଡ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 31, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଟ୍ ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ମାଡ୍ରାସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ମାଡ୍ରାସ, ସେଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ? 1852, 1855, 1857, 1860। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 31ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି 1857। ଇନ୍ 1857 ଦ ଥ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1857 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲା ନେକ୍ସଟ 32। 32 ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହାଇକୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ କେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1861, 1862, 1863, 1864। 32ର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ 1861। ଇନ୍ 1861 ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ହାଇକୋର୍ଟସ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ 1861 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଜ୍ 33, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ MAO କଲେଜ ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆଟ୍ ଆଲିଗଡ଼, କେଉଁ ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆଲିଗଡ଼ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1875, 1858, 1859, 1860। 33ର ଉତ୍ତର ଗୋଟି ହେବ ଏ ଇନ୍ 1875। ଇନ୍ 1875 ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏଟ୍ ଆଲିଗଡ଼। 1875 ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆଲିଗଡ଼ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 34, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭ। 34ର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, ବା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଗୋ ଟୁ ବେଦ କହିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 35, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1855, 1865, 1875, 1885। 35ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି
1875 मसीह आर्य समाज प्रतिष्ठा होता। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न आम कौन कौच पिला मैंने 37 नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न टी आम कौन कौच पिला मैंने हु फाउंडेड मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट आलीगढ़ आलीगढ़ ठारे किए मोहम्मदन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज टी को प्रतिष्ठा करथिले मोहम्मद अली शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना शायद अहमद खान। 36 रो उत्तर हम पिला डी शायद सार शायद अहमद खान हम सार करिबे लगे आगे शायद अहमद खान जी कि मुसलमान मानकर शिक्षा क्षेत्र में आगक बढ़ापी मोहम्मदन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज टी को आलीगढ़ ठार प्रतिष्ठा करथिले। तापर देखिए 37 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया क्यों मसीहारे इंग्लैंड राणी प्रोक्लेम हेले भारत सामग्री भाव सम्राटनी भाव 1876 1877 1878 1879। 37 रो उत्तर खंडिक पिला माने हबो ए 1876 मसीह रे द क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्रोक्लेम्ड एम्परर्स ऑफ इंडिया इंग्लैंड रो रानी भारत रो सम्राटिनी हेले 1876 मसीह रे। तापर आमे देखियो 38 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर केम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केउ मसीह रे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टी अणा जाइला वर्नाकुलर अर्थ होला आंचलिक भाषा रे खबर प्रसारण तापर धारा अणा जाइला 1878 1879 1880 1880 रिपीट हो जाइछ। 38 रो उत्तर खंडिक हम पिला माने ए 1878 मसीह रे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आसीथिला। तापर देखियो आमे 39 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर केम फास्ट फैक्ट्री एक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रश्न केउं मसीह रे प्रथम शिल्प आईन अणा जाइथिला 1881 1882 1883 1884। 39 रो उत्तर खंडिक होला ए 1881 मसीह 1881 मसीह रे प्रथम शिल्प आईन अणा जाइथिला। तापर आम देखा 40 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर केम हंटर कमिशन ऑन एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन उपर प्रश्न केउं मसीह रे शिक्षा क्षेत्र रे हंटर कमिशन बसिथिला 1882 1883 1884 1885। 40 रो उत्तर खंडिक हम ए 1882 मसीह रे हंटर कमिशन नूतन शिक्षा नीति उपरे बसिथिला। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1882 द हंटर कमिशन फॉर्म्ड फॉर द न्यू एजुकेशन। तापर आम देखा पिला माने 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर प्रश्न आम कौन कौची इन ह्विच इयर हेल्ड फास्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस केउ मसीह रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन होइतिला 1880 1885 1890 1900। 1880 मसीह 1885 मसीह 1890 मसीह 1900 मसीह 41 रो उत्तर हम पिला माने बी 1885 1885 मसीह रे ए ह्यूमकर नेतृत्व रे उमेश चंद्र बनर्जी सभापतित्व रे बॉम्बे रो संस्कृत कॉलेज तेजपाल कॉलेज रे प्रथम अधिवेशन टी बसी थिला भारतीय जातीय कांग्रेस। तापर आम देखिया पिला माने 42 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर सेट अप इंडियन एजुकेशन सर्विस केउ मसीह रे भारतीय शिक्षा सेवा प्रचलित करा गला 1895 1896 1897 1898।
बयालीस उत्तर हम पाने सी अठरश सतानबे मसीह इंडियन एजुकेशन सर्विस भारतीय शिक्षा सेवा ये गोटे आईएस टाइप जिन आईएस एटे सीन आईएस यहाँ आरंभ होता अठरश सतानबे तापर आम देखिए पाने तेयालीस नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर केम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के मसीहारे भारत विश्वविद्यालय आईन अणाला 1904 1905 1906 1907 43 रो उत्तर टी हूँ ए 1904 1904 मसीह भारतीय विश्वविद्यालय आईन अणाला द इंडियन यूनिवर्सिटी केम इन द ईयर ऑफ 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 इन ह्विच इयर एस्टाब्लीश्ड आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया बाय ब्रिटिश 1901 1902 1903 1904 क्यों मसीह भारत में आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट भारत ब्रिटिश शासित भारत में प्रतिष्ठा करा जाइतिला 1901 1902 1903 1904 चौरालीस पिला माने एडे उत्तर टी हम डी 1904 1904 मसीह आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया ब्रिटिश मानक प्रयास स्थापना करा जाइतिला जहां एबे भी अछि। तापर आम देखिए पाने 45 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर ब्रिटिश वांट पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों मसीह ब्रिटिश बंग विभाजन करने को चाहिला 1904 1905 1906 1907 1904 1905 1906 1907 को मसीह विभाजन करने को चाहिला 45 रो उत्तर टी पिला माने हबो बी 1905 1905 मसीहारी ब्रिटिश चाहिला बंग को विभाजन करने। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कौन कौच इन ह्विच इयर मुसलिम लीग फर्म के मसीह मुसलिम लीग टी प्रतिष्ठा होता यह समस्त को जना थी आपण मैंने प्रस्तुति हो 1906 1907 1908 1909 तो पिला माने 46 रो उत्तर टी हूँ ए 1906 1906 मसीह मुसलिम लीग प्रतिष्ठा होता। तापर देखिए 47 इन ह्विच इयर आईएनसी डिक्लेयर स्वराज एज द गोल 1906 1907 1908 1909 क्यों मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस डिक्लेयर घोषणा करथिला जे स्वराज्य होचे आमर लक्ष्य 47 रो उत्तर खंडिक हम पिला माने ए 1906 मसीह आईएनसी डिक्लेयर करथिला स्वराज एज द गोल। तापर देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कौन कौच इन ह्विच प्लेस फॉर्मड द मुस्लिम लीग क्यों स्थान रे प्रथमे मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा होता बंगाल मुंबई ढाका माड्रास 48 रो उत्तर टी पिला माने हम सी ढाका ढाका रे प्रथमे मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा होता। तापर आम देखिए पिला माने 49 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट क्यों मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस रे विभाजन देखा देखा 1906 1907 1908 1909 1906 मसीह 1907 मसीह 1908 मसीह 1909 मसीह 49 रो उत्तर हम पिला माने बी 1907 1907 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस विभाजन होता पिला सुराट अधिवेशन पिला माने हला इंडियन नेशनल कांग्रेस ता मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट अलग आइथिले पिला माने तापर आम देखिए पिला माने 50 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर हेल्ड सैडलर कमिशन ऑन एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में उन्नति आने के मसीह सैडलर कमिशन प्रतिष्ठा करा 1906 1917
1918-1919 50 उत्तर हम पिला माने ए 1916 कमिशन शिक्षा क्षेत्र में उन्नति आने ब्रिटिश सरकार तरफ बसला तापर है पिला माने 51 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर लखनऊ पैक्ट साइन के मसीहारे लखनऊ चुक्ति दस्तखत होता 1916, 1917, 1918, 1919 51 नंबर पिला उत्तर हबो ए 1916 1916 मसीह लखनऊ पैक्ट होता 50 1916 मसीह सादलार कमिशन होता जिन जहाँ मिसिक मन रखापुर देखिए पे 52 होम रूल लीग फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर होम रूल लीग किए करते पे मैंने बाल गंगाधर तिलक करते मिसेस एनी बेसेंट करते तो केबे 1914, 1915, 1916, 1917, 1952 रो द वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो पुना एस्टाब्लीश्ड इन व्हिच ईयर शिक्षाक्षेत्र ये गोटे उत्तम पदक्षेप महिला विश्वविद्यालय पुना ठारे प्रतिष्ठा करा जाए थी ला केवे 1916, 1917, 1918, 1919 53 रो उत्तर खंडिक हम ए 1916 वुमेन्स तापर आम देखिए पे नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न मु कौन कौच ह्विच अफ द इयर प्लेस जालियानवालाबाग इवेंट जालियानवालाबाग घटनाटी केबे हेतिला 13 April 1916, 13 April 1917, 13 April 1918, 13 April 1919 तो पे 54 रो उत्तर खंडिक हम डी 13 April 1919 13 तारीख April 1919 मसीह जालियानवालाबाग घटनाटी अमृतसर निकट रे घटी जहाँपी कि प्रायतः नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ होता आई घटना परठप देखिए 55 खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर खिलाफत मूवमेंट को मसीह आरंभ होला 1920, 1921, 1922, 1923 55 उत्तर पिला ए 1920 खिलाफत आंदोलन होता पे आंदोलन चेयरमैन महात्मा गांधी किंतु आंदोलन नेतृत्व नहीं थे अली ब्रदर्स तापर आम देखिए पे 56 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों मसीह असहयोग आंदोलन आरंभ होता 1920, 1921, 1922, 1923 56 रो उत्तर टी पिला माने हबो ए 1920 1920 मसीह असहयोग आंदोलन को आरंभ करा जायथिला तापर देखिए पिला माने नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न व्हिच अफ द इवेंट नॉट हेल्ड इन 1920 इन ब्रिटिश इंडिया भारत 1920 जिते ब्रिटिश मैंने शासन करुले समय 1920 कौ घटना ही नाला खिलाफत मूवमेंट एटा होता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता मीटिंग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यहाँ होता से 1920 के गुरुत्वपूर्ण देखो खिलाफत मूवमेंट होता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये प्रायत मिसिका किंतु ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सभा होता सादलार कमिशन हो ना तो 57 रो उत्तर हम डी सादलार कमिशन तापर आम देखिए पे नेक्स्ट 58 चौरी चौरा इंसिडेंट हेल्ड इन व्हिच ईयर चौरी चौरा घटनाटी केबे होता 1920, 1921, 1922, 1923 यही चौरी चौरा घटना ही महात्मा गांधी को बाध्य कर जहाँकि असहयोग आंदोलन को स्थगित रखापी उत्तर प्रदेश गोरखपुर ठारे
पुलिस फांडी यही चौरी चौरा घटनाटी होता जोटे कि जीवन जाइला महात्मा गांधी हिंसात्मक पदक्षेप से दिन ठारु असहयोग आंदोलन को स्थगित रखी तापर आम देखा पे नन कोऑपरेशन विथड्रलिंग ह्विच इयर के विथड्रल कर दि जाइए 1920 1921 1923 69 उत्तर बसी 1922 मसीह असहयोग आंदोलन को विथड्रल कर दि जापर आम देखा 60 नंबर प्रश्न इन इंडिया स्वराज पार्टी फाउंडेड इन ह्विच इयर के मसीहार भारत स्वराज पार्टी प्रतिष्ठा होता 1920, 1921, 1922, 1923 षाठी उत्तर खंडिक हम डी 1923 1923 मसीह स्वराज पार्टी भारत में प्रतिष्ठा होता तापर देखिए 61 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर साइमन कमिशन एपॉइंट साइमन कमिशन को केवे निजुक्ति दि जाइए 1925, 1926, 1927, 1928 61 उत्तर टी हम पे सी 1927 साइमन कमिशन एपॉइंटमेंट होती तापर देखिए पे 62 नंबर प्रश्न इन ह्विच ऑफ द ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्ट्स द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया के मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस गोटे नीति आपणा जहाँकि संपूर्ण भाव में भारत को स्वाधीनता दरकार बोली घोषणा कर 28 December 1929, 31 December 1931, 31 December 1931, 1 January 1931 62 उत्तर खंडिक हम सी 31 December 1929 1929 December 31 कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्ट कला गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया तापर आम देखिए 63 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द ईयर स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के मसीह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ होता भारत 1929, 1930, 1931, 1932 तो पिला 63 उत्तर टी हम बी 1930 1930 मसीह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में आरंभ होता नेक्स्ट देखिए पे 64 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर स्टार्टेड दांडी मार्च ऑफ गांधीजी गांधीजी दांडी अभियान केबे आरंभ होला 12 March 1920, 12 March 1930, 12 March 1935, 12 March 1943 तार अर्थ 12 मार्च रे ही आरंभ हो 12 मार्च मसीहटा के 64 उत्तर हो पे बी 12 March 1930 मार्च मस 12 तारीख 1930 मसीह डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा समय रे दांडी मार्च आरंभ कर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत प्रायत 72 फालोर को लेकर यात्रा करते लवणाहीन भंग करने देखिए पे 65 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर टेक इंडिपेंडेंट प्लेस बाय आईएनसी के मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस स्वाधीनतार शपथ पाठ गान कर 26 January 1930, 26 January 1931, 26 January 1932, 26 January 1933 65 उत्तर खंडिक हम ए 26 January 1933 इंडिपेंडेंस प्लेज डे को शपथ पाठ करा तापर आम देखिए पे 66 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर हेल्ड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मसीह प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता गोल टेबल बैठक इंग्लैंड रो 1928, 1928, 1929, 1930, 1931, 1931 66 उत्तर टी पे बसी 1930 1930 मसीह
प्रथम गोल टेबुल बैठक इंग्लैंड होता पे मन रखिंतु ओडिशार महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति पारालाखेमुंड राजा यही गोल टेबुल बैठक जोग देते आम देखिए पे 67 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर गांधीजी अटेंडेड राउंड टेबुल कन्फरेन्स एट लंडन 1928, 1929, 1930, 1931 गांधीजी गोल टेबुल बैठक में जोग दे 1928, 1929, 1930, 1931, 1931 महात्मा गांधी गोल टेबुल बैठक में जोग दे देखिए पे 68 ह्विच नंबर ऑफ राउंड टेबुल कन्फरेन्स अटेंडेड बाय गांधीजी एट लंडन गांधीजी जो गोल टेबुल बैठक टे जोग देते गोल टेबुल बैठक नंबर केते फर्स्ट सेकंड थर्ड नन अफ द एव 68 उत्तर पे हम बी सेकंड द्वितीय राउंड टेबुल बैठक महात्मा गांधी भारतीय जातीय कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से जोग देते आम देखिए पे 69 इन ह्विच इयर हेल्ड गांधी यूरिन पैक्ट के मसीहारे गांधी यूरिन चुक्ति 1928, 1929, 1930, 1931 69 रो उत्तर टी हूँ डी 1931 तापर देखिए पे 70 नंबर प्रश्न इन ह्विच ऑफ द ईयर फाउंडेड द इंडियन मिलिटरी एकेडमी आईएमए केबे प्रतिष्ठा हेतिला 1931, 1932, 1933, 1934 70 नंबर उत्तर टा पे बी 1932 रे इंडियन मिलिटरी एकेडमी एबे भी पे जो मिलिटरी अफिसर मैंने एनडीए पाई जाऊँ ट्रेनिंग नौ जगार से एकेडमी एबे भी अच्छे केबे हेतिला 70 रो उत्तर होछि बी 1932 तापर वर्तमान आम देखिए 71 नंबर प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन हुएर एस्टाब्लीश इंडियन मिलिटरी एकेडमी कौटे से मिलिटरी एकेडमी प्रतिष्ठा होता जो 1932 रे बंगाल पुना देहरादून मद्रास 71 रो पिलामने उत्तर टी हम सी देहरादून देहरादून रे प्रतिष्ठा होता इंडियन मिलिटरी एकेडमी तापर आम देखिए पे 72 नंबर प्रश्न इन ह्विच इयर इनागुरेटेड प्रोविन्सनाल अटोनोमी के वर्ष प्रोविन्सनाल अटोनोमी को इनागुरेट करने ब्रिटिश सरकार चाहते 1936, 1937, 1938, 1939 बास्तर उत्तर हम पे 1937 1937 प्रोविन्सनाल अटोनोमी देवाई ब्रिटिश राजी हो जाता तापर देखिए 71 73 इन ह्विच इयर फॉर्म्ड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के मसीहार कांग्रेस मिनिस्ट्री कांग्रेस मंत्रिमंडल फर्म है तैयार है 1936, 1937, 1938, 1939 उत्तर हम पे 1937 बी हम उत्तर टी 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्री प्रतिष्ठा होता तापर देखिए 74 इन ह्विच इयर लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड डोमिनियन स्टेटस एज द अल्टीमेट गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया 1936, 1937, 1938, 1939 के लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर कले भारत को डोमिनियन स्टेटस दिजिव आर अल्टीमेट गोल पूरण कर केवे डिक्लेयर करते लिनलिथगो 1936, 1937, 1938, 1939 74 रो उत्तर हम डी 1939 1939 लिनलिथगो घोषणा करते जे डोमिनियन स्टेटस को भारत को दिजिवे तापर देखिए 75 नंबर प्रश्न ह्विच ऑफ द ईयर मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड फॉर पाकिस्तान के मसीहार मुस्लिम लीग पाकिस्तान हेली गोटे स्वतंत्र देश हो मुसलमान भाई भाई मानी घोषणा कर 1939
1940, 1941, 1942 ପଞ୍ଚସ୍ତରୀର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ବି 1940 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 76 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର, କେଉଁ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ଟି ହୋଇଥିଲା, 1940, 1943, 1945, 1947। 76 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ 1940। 1940 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 77 77 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1941, 1942, 1943, 1944। 77 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ବି 1942 କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1942 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ୍, ଡୁ ଅର୍ ଡା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ପଚାରି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ 1942। 77 ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି। ତାପରେ ଦେଖିବା 78, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ INA ଇନ୍ଭେଜନ୍ ଆସାମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାପାନର ସହଯୋଗରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସାମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, 1936, 1944, 1947। 78 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ବି 1944 ମସିହାରେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ବର୍ମା ବାଟ ଦେଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ଦେଇ ବା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆସାମ ଠାରେ। 78 ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ବି 1944 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 79, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ INA ଇନ୍ଭେଜନ୍ ଆସାମ, 78 ହେଲା 79 ଦେଖିବା, ହୁ ଆଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1946 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 79 ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ସି, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1946 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 80 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ହେଲ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, 1943, 1944, 1946, 1947। କେଉଁ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, 1943, 1944, 1946, 1947। 80 ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, 1947 ମସିହାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 81 ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡାଏଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 1948, 1949, 1950, 1951। 81 ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ 1948 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 82 ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେଟସନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଏପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଜଣେ ଭାରତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଯିଏକି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, 1946, 1947, 1948, 1949। 82 ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସି, 1948। ମନେ ରଖିବେ ମିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଯଦି ପଚାରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ହେବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ଙ୍କ ପରେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 83 ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଶାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍, କିଏ କହିଥିଲେ
जे स्वराज होची मोर जन्मगत अधिकार मुताकु नेकी रहिबी। बढ़िया सहजिया प्रश्नटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी आपण मानु उत्तर जणा थिबो। महात्मा गांधी, लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, 83 रो उत्तर खंडिक हब पिला माने इडे बाल गंगाधर तिलक सी। बाल गंगाधर तिलक सी, स्वराज इज माय बॉट राइट एंड आई शैल हैव इट। तापर देखिया पिला माने नेक्स्ट प्रश्न 84, हु कॉइनड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। किए कही इंकलाब जिंदाबाद कॉइन करते प्रथम थर? सुभाष चंद्र बोस, हेमचंद्र दास, इकबाल, चंद्रशेखर आजाद। 84 रो उत्तर खंडिक हम पिला माने सी इकबाल। इकबाल ताकु कॉइन करते स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, जहाँ कि बहुत गुरुत्वपूर्ण था। तापर देखिया पिला माने 85 नंबर प्रश्न, व्हेयर डिड गांधीजी लॉन्च फर्स्ट सत्याग्रह। गांधीजी तांकर प्रथम सत्याग्रह को केउठारे आरंभ करथिले? चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, साउथ आफ्रिका। 85 नंबर रो उत्तर टी पिला माने इडा बडी साउथ आफ्रिका। देखंतु जदि भारत रे पचारिबो उत्तर टी बदलि जिवो। भारत रे पचारनी तेणु महात्मा गांधी साउथ आफ्रिका स्ट्रगल डा दिछि जदि सेइडे प्रथमे हबो। तापर आमे देखिया पिला माने 86 नंबर प्रश्न, व्हेन इज द राउलेट एक्ट प्रमोगलेटेड। केबे राउलेट एक्ट को प्रमोगलेट करा जाइथिला? 1885, 1919, 1905, 1909, 1920। 86 ର ଉତ୍ତର କେ ହବ ପିଲା ମାନେ ବି 1919 ରାଉଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 87 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1920, 1921, 1922, 1923। 87 ର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହବ ବି ଇନ୍ 1921 ଗାନ୍ଧିଜୀ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଦ କଟକ ଏଣ୍ଡ ହି ସ୍ପିକ୍ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଏ ମିଟିଂ ଓଭର କାଠଯୋଡ଼ି, ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ କାଠଯୋଡ଼ି ରିଭ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 87 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଟିବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱିଚ୍ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାସ୍ ଦ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ଲାହୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, କରାଚି, ବନାରସ। ସୁମାଚାନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପୁସ୍ତକର, କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପାସ୍ ଗୋଟେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍? 88 ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ ଲାହୋର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 88 ଉତ୍ତର ଏ। 99 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହୁ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ଏଟ୍ ଲାହୋର। ଯେଉଁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ। 99 ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହବ ପିଲାମାନେ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 90 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ଦ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ଟିକୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ କଲା? 1921, 1928, 1927, 1929। 90 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହବ ଡି 1929। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଯେଉଁକି 1929 ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 91 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କହୁଛି, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟାୟର ଗାନ୍ଧୀ। କାହାଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟାୟର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ, ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ଅତି ସହଜ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। 91 ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍।
जहाँ को फ्रंटायर गांधी सीमांत गांधी कह जाऊला से रेड बाइन रेड सार्ट बाइन संगठित करते ब्रिटिश विरोध में विप्लव करुले आम देखा 42 नंबर प्रश्न हु वाज द वॉइस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जेतेबेले आईन अमान्य आंदोलन सब चली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चली भारतर वॉइसरॉय किए थिला पिला माने लॉर्ड इरविन लॉर्ड लिलिथग्रो लॉर्ड मंटेग्यू लॉर्ड माउंटबेटन तो मन रखिथिबे पिला माने 43 नंबर प्रश्नर उत्तर होउछि पिला माने बी लिलिथग्रो लिलिथग्रो सॉरी 42 सिविल डिसओबीडियंस पचारि लॉर्ड इरविन मन रखिए पिला माने लॉर्ड इरविन थिले भारत जेतेबेले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आरंभ होइथिला तापर आम देखा पाने नेक्स्ट 93 प्रश्न आम कौन कौन पाने हु आर द वॉइस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट जेतेबेले भारत छाड़ आंदोलन चलता से समय भारत वॉइसरॉय किए थे लॉर्ड इरविन लॉर्ड लिलिथग्रो लॉर्ड मॉन्टेग्यू लॉर्ड माउंटबेटन तो पाने 43 नंबर उत्तर हम बी लॉर्ड लिलिथग्रो लॉर्ड लिलिथग्रोंग शासन समय वॉइसरॉय समय भारत छाड़ आंदोलन है किंतु भारत विभाजन होड़ लॉर्ड माउंटबेटन आसीगले तो तीन जगह गुरुत्वपूर्ण लॉर्ड इरविन रही कौटीर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट समय लॉर्ड लिलिथग्रो कौ समय रे भारत छाड़ आंदोलन समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट समय लॉर्ड माउंटबेटन कौन रे भारत को जितेबाला स्वाधीनता प्रदान करागला से समय तापर आम देखा पे 84 व्हिच लीडर ऑफ ओडिशा वाज अरेस्टेड एट बॉम्बे ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ओडिशार क्यों जननायकटी जेतेबेले भारत छाड़ आंदोलन चली से बॉम्बे से आंदोलन जोग दे ब्रिटिश पुलिस द्वारा अरेस्ट हो हरेकृष्ण महताब मालती चौधरी कृष्णचंद्र गजपति विश्वनाथ दास 84 उत्तर हम पाने ये हरेकृष्ण महताब अरेस्ट होते क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे मुंबई ठाकुर तापर देखिए पिला नेक्स्ट प्रश्न 95 हु रूट डू नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द जापानीज रादर हैंड ओवर टू इंडिया इन ए प्रॉपर वे किए कही जे भारत मान भारत को जापानीज मानकर हस्तांतर कर दियो ना प्रॉपर माने सटीक भाव भारतीय मानक सटीक रास्तार स्वाधीनता प्रदान कर महात्मा गांधी लॉर्ड लिलिथग्रो लॉर्ड माउंटबेटन मॉन्टेग्यू लॉर्ड माउंटबेटन 95 उत्तर टी पिला माने हब ए महात्मा गांधी कहते जे डू नॉट हैंड ओवर इंडिया टू जापानीज रादर हैंड ओवर टू इंडिया इन ए प्रॉपर वे तापर देखिए 86 प्रश्न इन ह्विच कमिटी प्रिपेयर क्वाइट इंडिया रेजुल्यूशन जो भारत छाड़ा आंदोलन रेजुल्यूशन देखा गोटे कमिटी प्रस्तुत करता से कौ कमिटी प्रस्तुत करता अलाहाबाद मुंबई वार्धा लाहौर आईएनसी रोपिला माने इटा गोटे कमिटी से स्थान रही नामकरण स्थान अनुजाई से स्थान 86 उत्तर हम पाने वार्धा कमिटी क्वाइट इंडिया रेजुल्यूशन को प्रिपेयर बा प्रस्तुत करता तापर आम देखा 97 बिफोर क्वाइट इंडिया मूवमेंट गांधीजी रूट लेटर टू हूम फॉर प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस सुभाष चंद्र बोस तोजो चियांगकाइसे ऑल ऑफ द भारत छाड़ा आंदोलन आरंभ होगा पूर्व श्रद्धेय महात्मा गांधी दुई खंड चिठी दुई जन पाखक लिखी जनों पाखक लिखी थे गोटे ये अच्छी तो से चिठीटी क्या लिखी थे जे कि जाकि ब्रिटिश मानू चाप पक भारत को स्वाधीन करने सुभाष बोस तोजो चियांगकाइसेक अलग देव 97 उत्तर टू पाने हम सी चियांगकाइसेक चाइनार से समय लीडर थे चियांगकाइसेक चिठी खंडे लिखी थे कि चिठी किसी कम दे 97 उत्तर टी हूँ सी बर्तमान देखा 98 98 कौन
बिफोर क्वाइटिनियम गोटे गांधीजी रूट लेटर टू हुम फर प्रेसराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस सताणीर सेम प्रश्नटा अठानबे महात्मा गांधी क्या चिठी लिखी मुझे कहूँ दुईजन को लिखी थे सही जनगण ना जना पड़ा चियांग काइसेक अन्य सभ्यटी किए सुभाष चंद्र बोस टोजो रुजभेल्ट अल अफ द एव अठानबे उत्तर हम पाने सी रुजभेल्ट आमेरिकार प्रेसीडेट रुजभेल्ट को महात्मा गांधी गोटे चिठी लिखी जे ब्रिटिश सरकार चाप प्रयोग करने भारत को स्वाधीन देवाई तो दुईज व्यक्ति जान लें गोटे चियांग काइसेक चाइनार आमेरिकार राष्ट्रपति रुजभेल्ट तापर देखा पे अनेस्पद नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर आब्सेंट इन इंडियन फील्ड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया सुभाष चंद्र बोस अरुण असफ अली को भारतीय जननायक स्वाधीनता संग्रामी भारत छोड़ा आंदोलन समय रे भारत भूमि उपरे रही नथिले बा नथिले यहां भितर अनेस्पदर उत्तर टी पाने सी सुभाष चंद्र बोस सदैव सुभाष चंद्र बोस से समय रे भारत रे नथिले किंतु नेता माने जत्ते बेले अरेस्ट हो जाइए क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे समस्त नेता को ब्रिटिश सरकार तरफ अरेस्ट कर दिया जाइतिला सही समय रे जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया अरुण असफ अली यही समस्ते से भारत छड़ा आंदोलन को द्रुत गति रे परिचालना करथिले तापर आम देखिया नेक्स्ट ए वीडियो रो शेष प्रश्न शहे नंबर प्रश्न इन व्हिच स्टेट फॉर्मड पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ सतारा ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट महाराष्ट्र ओडिशा कर्णाटक गुजरात कौ राज्य गोटे पैरेलल गवर्नमेंट या सतारा अंचल भारत छाड़ आंदोलन समय राज्यटी कौटा जोड़े सतारा रही अच्छे जोड़े पैरेलल गवर्नमेंट होता महाराष्ट्र ना ओडिशा ना कर्णाटक ना गुजरात तो शहर उत्तर हम पाने ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र सतारा अंचल पैरेलल गवर्नमेंट या पे मुझे आलोचना आपण मानक आगामी प्रतिजोगितामूलक परीक्षा उत्तीर्ण होवे सहायक हम वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ समस्त प्रतिजोगितामूलक ग्रुप्रे सेयर करूँ वंदे मातरम।